नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शाहजहांपुर जिले के मोहम्मदपुर में आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिला मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी, जिला अध्यक्ष योगिंदर सिंह बंटी रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कलेक्टर ओपी रावत, एसपी मंचा सहित रहे पटवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक से कहा कि जनता ने आपको विधायक बनाया है, अब अपना वचन पूरा करें और आप अपने विधानसभा के जनता का ख्याल रखो। वहीं पटवारी ने कहा कि गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि आप किन के सरपंच हो। सरपंच ने कहा कि मैं बीजेपी का हूँ, तो पटवारी ने कहा कि आप गाँव के सरपंच है, पार्टी के नहीं। वहीं पटवारी ने कलेक्टर को मोहम्मदपुर से गणेशपुर सड़क बनाने, पंचायत भवन बनाने का आदेश भी दिया। और कैसे लोग इस योजना से लाभान्वित होते हैं, एक वर्ष से लगभग ये योजना चालू हुई और लोगों के दर्द को कैसे सरकार पॉजिटिव तरीके से उनके निपटारण करती है, ये एक आज उदाहरण आप लोगों ने देखा और मीडिया के केंद्रों में भेज। मुख्य भाव है कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के आम नागरिक को गुड गवर्नेंस का सबसे ज्यादा लाभ कैसे हम दिला सके। अल्टीमेटली सरकार जिसकी होती है, जो वोट देके अपनी सरकार को चुनता है, उस सरकार का लाभ उसको कितना मिले, किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी मापदंड होता है जो उसकी सहायता और सहयोग। मैं मानता हूँ नाला पेपर में आज जो डेम की सौगात आदरणीय विधायक कुणाल चौधरी जी के नेतृत्व में मिली, एक स्कूल भवन का जो एक सौगात आज मिली, ऐसे कई नए नवाचार, चाहे सड़क की बात हो, चाहे भवन निर्माण की बात हो, चाहे पंचायत भवन की बात हो, इस पंचायत को सौगातें मिली है। मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से ये सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करना चाहती है और उसी का उदाहरण है आपकी सरकार, आपके द्वार। जिस अंदाज में आप पब्लिक के बीच में जाते हैं वो पब्लिक को संतुष्टि होती है, उसमें सरकार और आपके मध्य होकर पब्लिक अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट करती है, कुछ नहीं, हम नौकर हैं जनता के और ये माए बाप हैं। जब माए बाप अपने बच्चों को, अपने सेवक को आदेश देते हैं तो हमारा धर्म होता है ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्ट करें और उनके लिए काम करें। हमारा पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी सरकार का, सारे जनप्रतिनिधियों का एक नेचर, एक स्वभाव है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। आने वाले समय में और इस प्रोग्राम को ज्यादा तार्किक बनाना है तो मैंने जैसा कहा सखी योजना से इसको जोड़ना है। शाहजहांपुर और देवास में सखी योजना जब यह लागू होगी उसके बाद सरकार का महत्व और सरकार के द्वारा लोगों को की हुई सेवा एक तार्किक रूप, एक संतुष्टि का भाव लाएगी। मैं मानता हूँ आने वाले समय में ये सौगात भी शाहजहांपुर